आज मुंबई के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में यूनिसेफ द्वारा रेडियो फॉर चाइल्ड अवार्ड सेलिब्रेट किया गया। इसकी ब्रांड एम्बेसडर यूनिसेफ की करीना कपूर खान ने रेडियो के क्षेत्र में काम कर रहे उन रेडियो जॉकीज, उन कलाकारों को सम्मानित किया जिन्होंने देश में बच्चों की जानलेवा बीमारियों पर जागरूकता पैदा करने का काम किया था। आज इस देश में बच्चों की जानलेवा बीमारियां, उनमें अभी 41 करोड़ में से 31 करोड़ को तो बचा लिया गया है, लेकिन अभी भी इस संख्या में वृद्धि करने के लिए जागरूकता की आवश्यकता है, जिससे जन जन तक, बच्चों बच्चों तक ये बात आ सके कि 5 साल में 60 टीके जरूरी हैं। अब भारत सरकार सितंबर महीने से 12 जानलेवा बीमारियों के लिए बच्चों की के उपचार की व्यवस्था करने जा रही है, और इसके लिए सबसे बड़ी आवश्यकता ये है कि जब तक बच्चों के माता पिता जागरूक नहीं होंगे, तब तक इन बच्चों को उन जानलेवा बीमारियों से दूर करने के लिए कोई स्वास्थ्य केंद्र पर नहीं जाएगा। आज इसी लिए ये अवार्ड यहाँ पर आयोजित किया गया है। इस अवार्ड में मैं अभय शंकर गौड़, ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन, नेशनल प्रेसिडेंट हूँ इनके डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर्स एसोसिएशन का, हमको भी यहाँ पर करीना कपूर के साथ सम्मानित करने के लिए मंच पर यहाँ पे निमंत्रित किया गया। आज आवश्यकता इस बात की सारे रेडियो जॉकीज ने, एफएम रेडियो ने, ऑल इंडिया रेडियो ने, सभी रेडियो से जुड़ी हुई पूरी बिरादरी यहाँ पे इकट्ठी थी और उसकी क्रीम आज यहाँ इकट्ठी थी। इन जिन लोगों को सम्मान दिया गया है उनको बहुत बहुत बधाई, और साथ ही साथ आगे बच्चों के ऊपर रेडियो क्षेत्र से जुड़े हुए हमारे मीडिया कर्मी इसमें लगे रहेंगे, क्योंकि रेडियो एक ऐसा साधन है जो गांव गांव, गरीब गरीब के घर तक सस्ता होने की वजह से पहुंचता है, और जो लोग अशिक्षा की वजह से पढ़ भी नहीं सकते अखबार, उनको ये रेडियो एक ऐसा माध्यम है जो उनके घर तक अपनी उनके डायलॉग में, उनकी भाषा में उनको जागरूक करने का काम करता है। इसलिए आज यूनिसेफ का बहुत बड़ा आभार कि यूनिसेफ ने रेडियो की महत्ता को जाना और रेडियो के क्षेत्र में काम कर रहे लोगों को अपनी गति से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने के लिए ये यहाँ पर थर्ड जो है रेडियो फॉर चाइल्ड अवार्ड आयोजित किया गया। यूनिसेफ के आज भारतवर्ष में काम करते हुए 70 वर्ष भी हो गए हैं, इसलिए आज इसका फाउंडेशन डे भी यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया। और फिल्म सितारा करीना कपूर खान ने आज जो मदर्स डे सेलिब्रेट होने जा रहा है, इसके लिए भी उन्होंने संदेश दिया कि माताओं को अपने बच्चों का ख्याल रखने के लिए सिर्फ माताएं ही नहीं, बल्कि माता पिता और पूरा परिवार, बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति उनको ध्यान रखना चाहिए। ये देश तभी मजबूत बनेगा, ये देश तभी स्वस्थ बनेगा जबकि इसके बच्चे स्वस्थ होंगे, तभी यहाँ पर एक नया विकास का दौर शुरू होगा और ये विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आएगा। ममता सिंह, विविध भारती, मुंबई, और औरंगाबाद फॉर चाइल्ड हेल्पलाइन, बच्चों की लाइफलाइन, एंड द बेस्ट प्रोमो ऑन चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज एआईआर अवार्ड गोज टू मिस्टर विनय श्री एआईआर कुरुक्षेत्र फॉर मम्मी की परी। मम्मी की बिंदी लगाकर घर में घूमती हूँ, अपनी गुड़िया को सजाकर इधर उधर झूमती हूँ, शहजादी हूँ पापा की। The next category, AIR for Nachao Dhasa, and the winner for the best jingle on child sexual abuse AIR is Praful Tambe AIR Mumbai for Nachao Dhasa. मी केला आपल्याला वाईट वर्ष, तर नाचा होता।